अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, अभी तैयार हो चुका हूँ मैं और शहर जाना है, क्योंकि आपीरम ने भी गिफ्ट भेजे थे और एक आपी अरफाना है यूएसए से, उन्होंने भेजे थे मुझे कपड़े भेजे थे। तो वो कपड़े जो हैं मेरे, आपको वीडियो में आपने देखा भी होगा, जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने वो गिफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी, उन्हें मैं बता दूं कि यूके से भी गिफ्ट आए थे, यूएसए से भी गिफ्ट आए थे। तो वो कपड़े जो है ना, वो उनकी लेंथ ज़्यादा है, बड़े हैं कुछ, तो वो उनकी मैंने सेटिंग करवानी है, मतलब कि सेट करवाने हैं। तो दर्जी के पास जा रहा हूँ मैं, और इसके साथ साथ शहर में और भी काम करने हैं, और भी चीज़ें लेके आनी है, वो भी आपको दिखाऊँगा। और उसके अलावा आगे वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे मैं एक बात बोलूँगा कि देखें, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने अम्मी जी को चीज़ें ला के दी, अम्मी जी को गिफ्ट ला के दी, और मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि 1.5 महीने तक जो है ना शादी का इम्कान है, हमारी कोशिश है कि 1.5 महीने तक शादी कर लें। तो मैंने उसमें बताया भी है, टाइटल भी मैंने ये लगाया, भाई अब अम्मी जी के लिए शॉपिंग और भाई अब्बास की शादी की डेट। अच्छा, उसमें फिर भी लोगों ने नहीं देखते, स्किप करके आगे चले जाते हैं, फिर आके वो बुरा भला बोलने लग जाते हैं जो हेटर हैं, ख़ासतौर पर मैं उन्हें उन्हें बता रहा हूँ। फिर कहते हैं जी भाई आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो भाई ये मैंने क्यों नहीं मैंशन किया उस वीडियो में, दोबारा देखें, हम मैंशन कर देते हैं, लेकिन बहन भाई कुछ जो हैं हेटर जो हैं वो आके फिर जी आपने ये गलत टाइटल लगाया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। तो मेरे भाई गलत टाइटल कहाँ है, मैंने वीडियो में बताया तो है कि 1.5 महीने तक हम इंशाल्लाह शादी आ जाएगी। हमने हल्की छोटी मोटी जो है ना वो तैयारियाँ शुरू की हुई हैं, तो बाकी जो है ना वो जब डेट फाइनल हो जाती है तो ठीक है ना, फिर सारी तैयारियाँ एकदम से फिर शुरू होती हैं। तो अभी ये छोटी मोटी तैयारियाँ शुरू हैं, और घर का बोल रहा था एक बहन ने, तो एक ने तो नहीं, काफ़ी बहन भाई बोलते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द जल्द आप देखें 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा स्टार्ट। तो मिस्त्री को बोला हुआ है, वो देखे कब टाइम देते हैं, और इसके साथ साथ रिगड़ाई भी करवानी है, और उसके साथ साथ कलर भी करवाना है घर को। तो अभी देखे क्या बनता है, फिर सारी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊँगा। और नाराज़ नहीं हूँ, सिर्फ बताया है कि टाइटल में हम लोगों ने जो लगाया था उसमें काफ़ी बहन भाई स्किप करके चले जाते हैं, बाद में कमेंट्स करने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं बोला, ये बोला, आपने गलत बोला। तो बस ये मतलब था मेरा समझाने का छोटा सा, कि जो एक गलत फहमी थी आप लोगों की दूर हो जाए, ताकि आप लोग भी हमें बुरा भला ना बोलें और हमारा जो दिल आज़ारी होती है वो भी ना हो। तो चलें जी, तैयारी कर लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी देखे ये पसीना आया, इतना ज़्यादा आ रहा है, अभी नहा के भी आया हूँ, और तैयारी हो चुकी है। अभी चलते हैं वहाँ और दर्जी से पूछते हैं क्या बोलते हैं वो। हम जी यहाँ निकाल दो, दोनों निकाल दियो, दोनों ही हाँ जी सही करवाने वाले हो। हाँ जी, आप बाजी ने भेजा सी यूके तो ठीक है। हाँ जी, आप भी भेज दो, जरा बाजी ने यूएसए तो भेजा सी, आप अजीरम ने जड़ा वन आई भी उन्होंने भेजा सी ईद वास्ते जे डॉट तो। नहीं नहीं नाप मेरा है जो ओदे कोल। हाँ जी नहीं, मैं देख के मैं सारा सही करके दे हर चीज। हाँ जी बड़े बहुत है ना। हाँ जी भाई अब्बास दे या ओ भाई जवेद दे भी नहीं आते, मैं दिखाए सी। हाँ जी तो फिर बड़ा है। अच्छा होर कुछ मिजी लियो नाल जाना और कुछ नहीं जो ना मैं दादी दा थोड़ी जी सोडा मांगने पाणी थोड़ी जी साथ लगाना इतो करे मैं मम्मी मेहंदी मार इतो नहीं मिलदा अड्डे तो मम्मी जी मम्मी जी आज मेहंदी मार बस मेहंदी को बस को इतो मंगा लेंगे इतो मंगा लिया मम्मी मैं ओतो कितो ले जाऊंगा। हाँ जी चलो सही, फिर मैं चल रहा अम्मी जी। चलो ठीक। और भाई नसरुल्ला ठीक ठाक दादा सुते हो? ठीक है। मैं हूँ जाना सी हमाम पे, चाय आगे लिया हो ते काफी देनी हो गई है ते हालत जड़ी है ना हो खराब बस ਸਾਡੇ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹਮਾਮ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
बहुत ज्यादा बनती सी ना हर टाइम जेन ते ना एक कैफियत तारी रहती सी। हां ए सारे टेंशन ना हो या यानी 5 साल च ना 5 साल मैं काम ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ 3-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਆ ਨਾ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ 1000 ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ 2000 ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ 1500 ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ 3000 ਕੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਇਰਮ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸੀ ਵੀ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟ ਠੰਡਾ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਾਰ ਨੇ ਬਾਈ, ਬਸ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਜੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਵਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी, कपड़े दर्जी को दे के इधर घर वापस आ गए हैं और दर्जी ने बोला है कि ठीक हो जाएंगे लेकिन 2-4 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1 हफ़्ते का टाइम ले लें, लेकिन कपड़े दे के आया हूँ मैं ना, वो बिल्कुल आप सही जिस तरह पहले मेरे सिलाई करके देते हैं वैसे कीजिएगा। उसने बोला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप इस मैना के घर हूँ मैं और अब बच्चों का इंतज़ार है, बच्चे आ जाएँ उसके बाद मैंने फिर मिल के घर जाना है, नहीं तो बच्चे फिर कहते हैं कि आप मिले बिना ही मामू जी चले गए। तो बस बच्चों का इंतज़ार है, बच्चे आ जाएं उन्हें मिल के फिर मैं घर जाऊंगा। ना है ना खजूर, फिर मैं ना उधरों आ रहे सी ते मोटरसाइकिल ना वो हो गई थोड़ी जी खराब जी लगदी वा ते वो लेके आए सी हमसाया दे, बिलकुल वो खजूर तो पक्की हुई ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿਆਜ਼ ਖਜੂਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਘਰ ਅੱਗੇ ਖਜੂਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਸਮੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਆਏ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਛਾਪਰ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂ, ਅਤੇ ਅਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 1-2 ਦਫ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਪਠਾਣੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਅਦਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਆ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਜੀ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਧੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਧੀਆਂ। ਸੋਚੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਕੋ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ, ਲੱਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। अच्छा जी, आप ही लोगों ने ये जो सेटिंग चेंज की है ना, अब ये मुझे उनकी सेटिंग की हुई मतलब पसंद आई, उस रूम में से बेड निकाल दिया, सर्दियों में उस रूम में रख लेंगे, अभी फ़िलहाल इधर रख दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें बच्चों ने ऐसी बखेरी पड़ी हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, वो देख लें। भाई बता रहे थे अभी मुझे कुछ देर पहले कि मैं ये सारी चीज़ें ये इस तरह की इस दराज़ में रखता हूँ, इसमें मोई साहब कह रहा हूँ, उमार साहब जो हैं वो सारी चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। अब ये देखें, इसमें इस तरह चीज़ें पड़ी थी, उमार साहब ने जो है ना वो चीज़ें निकाल के उधर ले बाहर ले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं रखते इधर।
अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं और बच्चों से भी मिल लिया है। अब नहा के फ्रेश होके अब मैं घर जाने लगा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।